मैं हूँ उर्वशी और आज आपके शो प्लैनेट बॉलीवुड पर मेरे साथ होंगे एक सेलिब्रिटी एंकर। बॉलीवुड के इस प्लैनेट पर कौन सा सेलिब्रिटी बनेगा आपके फेवरेट शो का एंकर, जानने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शुरू होने वाली है देश की सबसे बड़ी कोला वॉर। सामने आया रणबीर कपूर और इमरान खान का दोस्ताना। ऋतिक इस महाशिवरात्रि पर बने शिव जी के पुजारी। सलमान खान से नहीं हो रही है रेडी में जरीन की शादी। प्लैनेट बॉलीवुड आज आपके सामने खोलने जा रहा है एक नई जंग का राज। ये जंग छिड़ने वाली है बॉलीवुड के बड़े खान्स के बीच। पावर शो की कहानी कैसे शुरू होने वाली है, ये स्टोरी को ध्यान से देखकर आपको पूरा पता चल जाएगा। ठंडा मतलब क्या होता है, ये आमिर खान पिछले 10 सालों से आपको बताते आ रहे हैं, लेकिन एक कोला कंपनी के लिए बदल गई है अब ठंडा मतलब की परिभाषा। इस कोला कंपनी के लिए अब ठंडा मतलब हो गया है आमिर खान। खबर आई है कि जिस कोला कंपनी के ब्रांड को आमिर खान ने हर बार अलग अलग अंदाज में प्रमोट किया, अब उसी कोला कंपनी ने आमिर खान के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है। एक्चुअली फाइनेंस के बारे में इतना मुझे कुछ समझ में आता नहीं। हालांकि इस ब्रांड को पिछले कुछ वक्त से आमिर खान के भांजे इमरान खान एंडोर्स कर रहे हैं। अभी मैं लूंगा उनसे। लेकिन सूत्रों की अगर माने तो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कोला कंपनी आगे भी आमिर खान के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने का इरादा नहीं रखती है। आई बॉट दीज लवली बॉटल, you know, different colors. I really like that. इस पूरे मुद्दे की अगर हल्की सी भी एनालिसिस की जाए तो सबको समझ में आ जाएगी सीधी बात, नो बकवास वाली कहानी। पिछले दिनों शाहरुख खान ने इस कोला कंपनी के एक दूसरे ब्रांड को एंडोर्स करने की बैक डोर से सीधी एंट्री मारी है। I'm number one, darling. और ये भी हो सकता है कि बैक डोर से सीधी एंट्री करने के बाद शाहरुख खान आमिर खान वाले ब्रांड को फ्रंट डोर से हथियाने की तैयारी में लगे हों। शायद इसी वजह से इस कंपनी ने आमिर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू न किया हो। इसके पीछे की सच्चाई जब सामने आएगी तब आएगी, पर जो सच्चाई सामने आ गई है उसका एक रीकैप एक बार आप सुन लीजिए। आमिर कितने बड़े परफेक्शनिस्ट हैं, इसका सबसे बड़ा नजारा इन्हीं कोला एड्स में सामने आया था। इस ब्रांड के हर एड के लिए आमिर ने ऐसे ऐसे लुक्स अपनाए जो एक मिनट की छोटी सी स्टोरी में वो जान डाल गए, जिसने इन एड्स को लोगों की जुबान पर ला दिया। So this is my look. प्रसून जोशी जैसे एड फिल्म मेकर्स ने इन एड्स का कॉन्सेप्ट डिजाइन किया था। शंकर एहसान लॉय ने इन एड्स का म्यूजिक दिया। यह 2000 से शुरू हुई कोला कंपनी के एड वॉर के वो स्टार्स हिस्सा बने जो बॉलीवुड में भी एक दूसरे के राइवल्स माने जाते हैं, और 2011 में इस डेकेड की शुरुआत के साथ कोला कंपनीज की ये वॉर अब दूसरे लेवल पर जाती नजर आ रही है, क्योंकि आमिर को दूसरे राइवल कंपनीज भी साइन कर सकती हैं। और आमिर हो सकता है एक बार फिर ठंडा मतलब वाली इस वॉर को अपने परफेक्शन से फिर हॉट बना दें। बॉलीवुड में रणबीर और इमरान सेट कर रहे हैं हार्मनी का एक नया एग्जाम्पल, क्योंकि रणबीर जो एंडोर्समेंट खुद नहीं कर पाते वो इमरान को पास करते जा रहे हैं। इंडस्ट्री के दो बड़े हीरोज हो गए हैं एक साथ, हम बात कर रहे हैं रणबीर और इमरान की। रणबीर और इमरान अभी अनडाउटेडली बॉलीवुड के दो बिगेस्ट हीरोज में से आते हैं, और वो नहीं चाहते कि इन दोनों के सिवा कोई तीसरा हो जो रेस में इनसे आगे निकल जाए, और इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है शाहिद कपूर। ऐसे में बाय टीमिंग अप टुगेदर इमरान एंड रणबीर आर मेकिंग श्योर कि शाहिद रह जाए स्टारडम की रेस में पीछे, और शायद इसी वजह से रणबीर और इमरान ने आपस में कर ली है ऐसी प्लानिंग जिसमें है इन दोनों का फायदा। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू एन इंग्लिश डेली, रणबीर कपूर जो भी एंडोर्समेंट्स नहीं कर पाते वो चला जाता है इमरान के पास, और रणबीर खुद इमरान का नाम सजेस्ट करते हैं। हाल ही में रणबीर को ऑफर किया गया एक सॉफ्ट ड्रिंक कमर्शियल व्हिच रणबीर कुडंट डू एंड ही हैपिली पास्ड इट ऑन टू इमरान। रणबीर कपूर हमेशा इमरान से पर्सनली पूछते हैं इफ ही वुड लाइक टू वर्क ऑन द असाइनमेंट व्हिच वाज ऑफर्ड टू रणबीर फर्स्ट, और इमरान को भी रणबीर के रिजेक्टेड ऑफर्स को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सुनने में तो ये भी आया है कि ये दोनों एक प्रोडक्शन हाउस खोलने की तैयारी में भी थे, एंड दैट दे वर आल्सो प्लानिंग टू वर्क इन अ फिल्म टुगेदर। शाहिद से बचने की इतनी तैयारी, नॉट बैड रणबीर, इसको कहते हैं असली गेम। महाशिवरात्रि पर ऋतिक रोशन और उनकी पूरी फैमिली ने भगवान शिव की भव्य पूजा की। हम आपके लिए लेकर आए हैं ऋतिक की इस स्पेशल पूजा के कुछ वेरी स्पेशल मोमेंट्स।
ऋतिक रोशन इस महाशिवरात्रि पर बन गए शिव जी के पुजारी। पूरी फैमिली के साथ ऋतिक पहुंचे अपने ग्रैंडपा के पनवेल फार्म हाउस पर और वहां के शिव मंदिर में महाशिवरात्रि की पूजा की। ऋतिक, सुजैन और पापा रोशन ने भी इस फेस्टिवल की विशेष पूजा का मौका नहीं छोड़ा। देखिए हाथ में जोत लेकर कैसे शिव जी की आरती उतार रहे हैं ऋतिक। ऋतिक की नजरों में भगवान शिव की भक्ति साफ नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो ऋतिक शिव जी से यही मांग रहे हो कि उनकी आने वाली फिल्मों के साथ वैसा बिल्कुल ना हो जो उनकी पिछली दो दो फिल्मों के साथ हो गया। वाइफ सुजैन भी लगता है अपने नए फर्नीचर स्टोर की सक्सेस के लिए शिव जी से आशीर्वाद मांग रही हैं। Every single space has been made up by her, you know, and I love them all. और पापा राकेश रोशन तो जैसे महाशिवरात्रि पर शिव जी की आरती करते हुए शिव जी से इसी आशीर्वाद की उम्मीद कर रहे हैं कि शिव जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। ऋतिक पिछले 12 सालों से महाशिवरात्रि पर इसी जगह पर आ रहे हैं। ये शिव मंदिर उनके ग्रैंडपा जे ओम प्रकाश के पनवेल फार्म हाउस के पास ही है और इस साल भी ऋतिक ने शिव मंदिर में अपने पेरेंट्स, वाइफ, सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के साथ की है महाशिवरात्रि की विशेष पूजा। Coming up more on Ritik in this segment, Ritik ko diya kisne dhoka? जहां बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ऑरेंज जूस के डाइट पर जिंदा रहती हैं, वहीं विद्या बालन को ये अफसोस है कि प्रेग्नेंट वुमन के कैरेक्टर के लिए उन्हें ओवर ईटिंग का मौका नहीं मिला। करीना कपूर के साइज जीरो फिगर के बाद मानो फिल्म इंडस्ट्री में एक ट्रेंड सा बन गया है टू गेट अ स्किनी फिगर, पर ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करती है एक एक्ट्रेस। विद्या बालन है वो एक्ट्रेस जो होना चाहती है ओवरवेट, ओवर ईट करना चाहती है, बट अफसोस ये मौका उन्हें नहीं मिल पाया। What I really feel bad about is that I couldn't overeat like pregnant women do. That was the one liberty I didn't have. What I did do is I didn't allow people to smoke around me, saying you can't smoke around a pregnant woman. So that was my way of empowering them, even as I entertained them. Vidya apni next film mein ek pregnant lady ka kirdar nibha rahi hai, jahan she is expecting to have a paunch belly. Well, is film ke sets par Vidya ne pregnant hone ka kaafi fayda uthaya. Jahan logo ko bully kiya, to nakre bhi kaafi the in madam ke for not allowing the unit to smoke on the sets. But madam ko afsos hai is baat ka ki unhe overeat karne ka मौका नहीं मिला। Well, Vidya, वैसे ही आप खाते पीते घर की लगती हो, अब इससे ज्यादा वेट पुट ऑन करना, वी वुड एडवाइज कि आप ओवरवेट पर ज्यादा फोकस ना करें क्योंकि शायद ये आपके करियर पर भारी पड़ सकता है। नर्मदा अहूजा तैयार है अपने बॉलीवुड डेब्यू के साथ। आपको दिखाते हैं गोविंदा की डॉटर नर्मदा किसके साथ कर रही है अपनी पहली फिल्म। सुनो, फाइनली गोविंदा की बेटी नर्मदा अहूजा बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं, जिसे लेकर वो इन दिनों काफी एक्साइटेड भी हैं। All I can say about that movie, it's a very energetic film, very colorful, very commercial, and I couldn't call it like a love story, but yes, it's a romantic comedy love story. नर्मदा जिस फिल्म को करने जा रही हैं, वो एक रोमांटिक